मुसलसल मरत अदालत में पेशी के बाद बाहर निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर। तो ये जितना वकुआ इन्होंने FIR में दर्ज किया है सब बंद भड़त है। ये आप देख सकते हैं अदालत में पेश होने के बाद मरवत बाहर आ रहे हैं। एक बार फिर से आप देख सकते हैं शेर अफजल मरवत LTC के ये आप देख रहे हैं और ज्यादा रश है यहाँ पर। कवरेज करने में बहुत दुश्वारी का सामना है लेकिन बस सब पीछे हो जाए। आसिम पूरे हो गए। थैंक यू जिंदाबाद जिंदाबाद नंबर मरवत साहब लव यू। मरवत साहब गाड़ी में उनको बिठा दिया गया है। खालिद साहब बताइएगा, ये मरवत साहब को दोबारा से ले गए हैं, आपकी मुलाकात हुई है, काफ़ी देर बैठे रहे, क्या बताया और क्या कुछ हुआ अभी? बस वो जो है ना अभी क्योंकि भाई रश था वो निकल रहे थे तो कह रहे थे कि ज़ाहिर बात है वो गर्मी और ये था तो अभी जो है ना ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। अच्छा। जब साहब ऑर्डर करेंगे ठीक है ना तो इसके बाद पता चलेगा। तो फिलहाल उनको मेरे ख्याल में वापस वो CIA पुलिस स्टेशन ले गए हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जज साहब जो है ना हमारे हक में फैसला करेंगे। यहाँ से फैसला उनके हक में आता है तो फिर वहीं से रिलीज़ कर देते हैं अगर डिस्चार्ज का फैसला आता है। मेरे ख्याल में जो है क्योंकि जेल तो है नहीं, पुलिस स्टेशन लेकर गए हैं तो फिर जो है ना यहाँ से रिलीज़ करेंगे। तो अभी आपके साथ वो बैठे रहे काफ़ी देर कमरे में तो क्या बताया, क्या बातें हुई आपकी उनकी? बातें हुई थी ये जो है ना बिल्कुल जो केस बना है और आपने भी पढ़ा सारे आर्गूमेंट सब ने सुने हैं कि भाई जान ये जलसा था जलसे के बीच ही वो किसी ने जो है ना क्लाशनकोफ किसी पुलिस वाले के ऊपर तानी है जलसे के बीच और किसी ने पिस्तौल से जो है ना किसी को मारा और ये जो है ना इतनी बकवासियात बोली है ना जिसका बिल्कुल और जज साहब खुद भी हंस रहा था क्योंकि ये जो FIR जो है ना काटी हुई है जिसमें जो है ना किसी MNA के बारे में कहा गया है कि इसने इस पुलिस वाले को थप्पड़ मारा जलसे के बीच CM साहब ने जो है ना ये किया उस मिनिस्टर ने ये किया तो बस ये जो है ना मतलब उसका वो डिस्कस कर रहे थे और हंस रहे थे कि ये जो है ना बिल्कुल उन्होंने गप लगाया है। मरवत साहब ने अपने बारे में क्या बताया, रात उन्होंने किस कंडीशन में गुजारी, क्या हालात थे उनके? तो मैं पहले भी बताया कि पहले जो है ना सेक्रेटरी थाने में थे तो मतलब कहते हैं 4 घंटे उधर सोए फिर कहते हैं सुबह 6 बजे इधर लेकर आए हमें क्या कहते हैं थाने में तो कहते 2-3 घंटे में उधर सोया हूँ। अच्छा। तो बस 7 घंटे रात को सोते रहे मतलब कोई मसला मसाइल नहीं? 2-3 घंटे तो 6-7 घंटे तो सोए हैं ये तो उन्होंने मुझे बताया। अच्छा। तो अभी बाहर कैसे लग रहे थे, फ्रेश थे? फ्रेश थे, बड़े मूड में थे, आपने खुद देखा शुक्र मतलब। रात को डिनर विनर सुबह नाश्ता ब्रेकफास्ट किया है? वो मेरे ख्याल में किया है। अच्छा जी। तो इसके अलावा क्या उनका इस वक्त स्ट्रेटजी क्या है, अब जब बाहर आएंगे तो फिर? स्ट्रेटजी तो जाहिर बात है जो जुल्म हुआ है उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा थे कि भाई जो पार्लियामान का भी तकद्दुस पामाल हुआ है और मतलब ये है कि ये जो FIR जो हुई है वो जो है ना वो इतनी मज़ा का खेज है ना आप सब लोगों ने सुनी होगी क्योंकि बिल्कुल वो जज साहब खुद भी हंस रहा था
तो इसे आगे मैं क्या बोला। और चीज़ इसमें ये है कि सब के ऊपर जो है ना चार्ज सेम ही हैं, किसी एम एन ए के ऊपर ये लगे हैं, किसी ने पुलिस वाले को मारा है, किसी के ये इसने वर्दी पाड़ी है, और सरगोर साहब के ऊपर भी जो है ना उन्होंने इस तरह कोई इल्ज़ाम लगाया है। तो चूंकि केस सबका सेम है, उन्होंने जो है ना वो उधर से डिस्चार्ज कर दिया। अब बैरिस्टर गौर साहब को डिस्चार्ज कर दिया। अब एक कानूनी नुकता नज़र आए, मैं मतलब खुद वकील हूँ, तो इसमें से अगर एक केस हो सेम नोयत का हो और एक बंदा अगर डिस्चार्ज होता है, दूसरों का तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। अच्छा, ये आपको आपको भी ये बताएं कि जो शेर अफजल बरवत के जो कबीले की तरफ से भी इसी गिरफ्तारी पर तश्वीश का इजहार किया जा रहा है, इस हवाले से क्या कहें? एहतजाज भी किया गया? एहतजाज की कॉल तो हमने दी नहीं है अभी तक, क्योंकि जाहिर बात है कानूनी जंग लड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह जब एहतजाज की कॉल देंगे तो आप सबको पता चल जाएगा। अभी तक एहतजाज की कॉल नहीं। कमरे अदालत में शेर अफजल मरवत ने खुद अपने दलाइल दिए? हाँ, तकरीबन आधा घंटा तो खुद दलाइल दिए, फिर काजी अनवर साहब ने दिए, फिर जो है ना मतलब नॉर्मली 90% दलाइल उसने खुद दिए। अच्छा, क्या लगता है क्या वजह बनी? पूरा दिन आप भी कभी एक अदालत कभी दूसरी अदालत फिरते रहे, लेकिन मरवत साहब को इतना लेट पेश करने का क्या? बोला कि देखिए वाकया जो ये कह रहे हैं कि जलसे वाले दिन हुआ है और जलसे के बीच हुआ है, तो एफ आई आर तो उसी दिन कटनी चाहिए थी। इन्होंने एफ आई आर जो है ना अभी तकरीबन 10 बजे 11 बजे ये दिन को काटी है, ठीक है ना। और मतलब ये है कि उन्होंने उसको बोला है, क्योंकि वो जो वो जो गवर्नमेंट का वो था वो जब सुना रहा था, तो मरो साहब ने कहा ये कुरान पर हाथ रख कर कहे कि इसमें एक लफ्ज भी सही है ना तो मेरा रिमांड दे दे और मैं खुद दे देता हूँ। वो आगे से चुप करके जो है ना वो हंस रहा था, ठीक है ना। ये भी उन्होंने कहा कि ये शुएब शहीन साहब ने पिस्तौल उठाई है और किसी के उसके ऊपर रखी है, तो ये मतलब ऐसी बातें हैं जो कि मतलब बिल्कुल हंसने वाली है। क्या रिमार्क से जज साहब की जानिब से क्या जवाब दिया गया? सारे थे ना आप लोग थे? नहीं हम तो सब जो है ना वो सुन रहे थे, जज साहब को भी खुद अच्छी तरह पता है कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल पुलिस वाले खुद भी हंस रहे थे कि भाई ये क्या है। स्पीकर ने प्रोडक्शन आर्डर भी जारी किए थे, कहा जा रहा है उसके बावजूद प्रोडक्शन आर्डर, मतलब स्पीकर को पता था जब ये गिरफ्तार कर रहे थे तो स्पीकर की जो है ना मर्जी से ही हुए हैं, ऐसा तो नहीं है कि स्पीकर को पता नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी एम एन ए को पकड़ते हो तो स्पीकर से इजाज़त लेनी पड़ती है। ये वैसे ही जो है ना मतलब ये है कि नंबर बनाने के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर किए, ये किए, वो किए, ड्रामेबाजी है। अच्छा, ये तो अभी जब अगर रिलीज़ के ऑर्डर आ जाते हैं, अदालत से फैसला हक में आ जाता है, उसके बाद क्या मरवत साहब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, क्या उनका लाइमल होगा? ज़ाहिर बात है कि जो ज़्यादती की हैं ये जो है ना मतलब आपसे बेजाब में रखा है 10-11 एम एन ए साहबान को, ठीक है, और पार्लियामेंट के अंदर घुसकर जो है ना मतलब ये है कि उनको पकड़ाएं और चलो मरो साहब को गेट पर जो है ना उन्होंने गिरफ्तार किया 6-7 महीने को, तो उधर कमांडो एक्शन से पकड़ाएं पार्लियामेंट के अंदर घुसकर। अब तो पार्लियामेंट के अंदर जो है ना नहीं जा सकते ना। हाँ। ये कौन सा कानून है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी हुआ है कि पार्लियामेंट के अंदर जो है ना चले जाते हैं और वहाँ पर जो है ना वो किस चीज़ में ये मुकदमा है हंसने वाली बात। अच्छा, आपने कहा कि पार्लियामेंट में स्पीकर की मर्जी से हुआ, ये इल्ज़ाम है या कोई आपके पास सबूत है या कोई इत्तला है? जो है ना मतलब ये कि चाहिए फिर स्पीकर को ऐसा जो है ना मतलब एक्शन लेना चाहिए जिसकी मिसाल ना मिले। बहुत अगर स्पीकर को पता नहीं है उसकी मर्जी के बगैर नहीं हुआ है तो फिर तो चाहिए कि सारे पुलिस